दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम दोस्त एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर वन, इथाइल आयोडाइड। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि निम्नलिखित यौगिक से इथाइल अल्कोहल को तैयार कीजिए और इक्वेशन को लिखते हुए। सबसे पहले हमारा दोस्त इथाइल आयोडाइड से इथाइल अल्कोहल बनाना है। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा दोस्त इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल का फॉर्मूला हो गया दोस्त CH3CH2 खाली बॉन्ड। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए, तो ये हमारा इथाइल ग्रुप हो गया। इथाइल ग्रुप में अगर आयोडीन को लगा दे तो यह हमारा इथाइल आयोडाइड हो गया। तो जब इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब, अब देखिए दोस्त पोटेशियम हमारा मेटल है और हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल है। पोटेशियम मेटल है और आयोडीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त पोटेशियम आयोडाइड बन गया। अब CH3CH2 था, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप लिख दिए CH3CH2 खाली बॉन्ड और इस खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। तो यहां पर OH ग्रुप लिख दिए, यहां पोटेशियम था तो पोटेशियम लिख दिए, यहां पर आयोडीन था तो आयोडीन लिख दिए। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। तो जब इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा दोस्त इथाइलिन से इथाइल अल्कोहल बनाना। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा दोस्त इथाइलिन टू इथाइल अल्कोहल।
तो इथाइलीन का फॉर्मूला हो गया दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए दोस्त इथीन को ही कॉमन नेम में इथाइलीन बोलते हैं, तो ये हमारा इथाइलीन हो गया। और जब इथाइलीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो देखिए दोस्त वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक हमारा H प्लस और दूसरा हमारा OH माइनस में, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो ये हमारा विनाइली कार्बन है, यह भी विनाइली कार्बन है, तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संख्या विनाइली कार्बन के पास सेम है, तो यह हमारा सिमेट्रिकल अल्किन है। देखिए दोस्त CH2 था तो CH2 लिख दिए, डबल बॉन्ड था और यहाँ पर CH2 था, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े और दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्त दोनों सिग्मा बॉन्ड में किधर भी हाइड्रोजन को और OH ग्रुप को जोड़ सकते हैं, तो मान लीजिए अगर हाइड्रोजन को यहाँ जोड़े तो OH ग्रुप को यहाँ जोड़ेंगे, और अगर हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे तो OH ग्रुप को यहाँ जोड़ते, तो CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये हमारा बन गया CH3 और ये हो गया CH2OH। तो दो कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो जब इथाइलिन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, आज हम लोग एसिटाइल क्लोराइड की मदद से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त एसिटाइल क्लोराइड। सबसे पहले जानेंगे दोस्त एसिटाइल क्या होता है, तो मिथाइल कीटो ग्रुप हो और एक खाली बॉन्ड हो, यह हमारा दोस्त एसिटाइल ग्रुप है। दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, और खाली बॉन्ड के लिए वाई ए लिख दी, खाली बॉन्ड में क्लोरीन लगा दी, क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। तो जब एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथेनॉल के साथ करवाते हैं, सोडियम इथेनॉल का काम है दोस्त रिडक्शन करवाना, सोडियम इथेनॉल हमारा दोस्त कंप्लीट रिडक्शन करवाता है, मतलब एसिड क्लोराइड की रिडक्शन से सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर एल्डिहाइड के रिडक्शन से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, क्योंकि सोडियम इथेनॉल 2 स्टेप रिएक्शन शो करता है, तो ये हमारा एसिड क्लोराइड है। सबसे पहले एसिड क्लोराइड में दो हाइड्रोजन को जोड़े तो एल्डिहाइड बन गया, फिर एल्डिहाइड में दो हाइड्रोजन को जोड़े तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, तो ये हो गया हमारा दो CH2OH, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया CH2OH। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो दो कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो जब एसिटाइल क्लोराइड का कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट में इथाइल अल्कोहल बनता है।
क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे दोस्त, एसिटिक एसिड के मदद से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है एसिटिक एसिड, तो एसिड का मतलब दो कार्बन हो गया, ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में आईसी बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में टूट के एच प्लस देता है, तो यह हमारा एसिड है। तो यहाँ पर एसिड लिखती है, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, जब एसिटिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, इसका काम है दोस्त हाइड्रोजन जोड़ना। तो ये हो गया हमारा नेसेंट हाइड्रोजन, ताजा ताजी बनाए गए हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कंप्लीट रिडक्शन करवाता है, सबसे पहले दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 2 स्टेप रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन से एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बना। 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है CH2OH। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहां पर मिथाइल ग्रुप लिख दी, तो दो कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो जब एसिटिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर फाइव, तो आज हम लोग इथाइल अमाइन से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। इथाइल अमाइन, तो देखिए दोस्त सबसे पहले इथाइल ग्रुप बनाते हैं CH3 CH2 खाली बॉन्ड को, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दी, तो इसका नाम हो गया इथाइल। तो इथाइल ग्रुप में NH2 ग्रुप लगा दिए और NH2 ग्रुप को अमाइन बोलते हैं, तो ये हमारा अमाइन हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल अमाइन। तो जब इथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, HNO2 का नाम हो गया दोस्त नाइट्रस एसिड, तो ये हमारा इथाइल अमाइन है। तो लिख दिए CH3 CH2 और NH2, और नाइट्रस एसिड को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टूटा। ट्रिक है हमारा दोस्त OH9, सबसे पहले OH ग्रुप में टूटा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन, फिर यहां पर बॉन्ड टूटा और यहां भी बॉन्ड टूट गया, तो इथाइल ग्रुप में OH ग्रुप जोड़ दिए, तो CH3 CH2 OH बना, और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को जोड़ दिए तो नाइट्रोजन गैस बन गया, और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बन गया। तो दो कार्बन के अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो जब इथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है।
और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर बनता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब हम लोग दोस्त एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा दोस्त एसिटाल्डिहाइड तो एसिड का मतलब दो कार्बन होता है, तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मूला हो गया दोस्त CH3C OH, तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल डिहाइड बोलते हैं। तो एसिटल डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, तो एसिटल डिहाइड का पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे, और रिडक्शन करवाने वाला जो एजेंट है वह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन करवाने वाला एजेंट का नाम है दो सोडियम बोरोहाइड्राइड। यह एक तरह का कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, यह सिंगल स्टेप रिएक्शन सिर्फ शो करता है। यह हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यह हमारा दो सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करेगा। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल CH2OH हो गया। मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लिख दी, तो दो कार्बन के अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो जब एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा दोस्त फॉर्मल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बनाना। फॉर्मल्डिहाइड तो फॉर्म का मतलब एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मूला हो गया दोस्त H C डबल बॉन्ड OH, तो फॉर्मल डिहाइड एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल डिहाइड कहते हैं। अब फॉर्मल डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं, ड्राई इथर की उपस्थिति में। अब देखिए दोस्त मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और कार्बन है, सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए, कार्बन के आगे हाइड्रोजन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, CH3 था तो CH3 लिख दिए। अब इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, उसको समेट दिए तो बन गया CH2। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था,
सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दी। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेता है, यहां हो गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए दोस्त, यह हमारा एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट। फिर एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, तो वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, H प्लस और OH माइनस में, तो CH3CH2 था, तो यहां पर लिख दिए CH3CH2। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। देखिए दोस्त, यहाँ पर बॉन्ड बनता है लेकिन साइज डिफरेंस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने की वजह से फिर से बॉन्ड टूट जाता है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर लग गया OH ग्रुप। मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन है, यहां लिख दिए MgBr। अब ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, OH था तो OH लिख दिए। तो दो कार्बन के अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई इथर की उपस्थिति में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हम लोग दोस्त बहुत सारे कंपाउंड की मदद से इथाइल अल्कोहल बनाने का मिशन कंप्लीट हुआ। तो दोस्त, चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।